सो गाइज, फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम निकलेंगे बाइक राइड के ऊपर। और एक दिन पहले बात कर रहा हूँ मैं बाइक राइड से, कल हम सुबह निकलेंगे जल्दी। एंड आज जितने भी प्रिपरेशन है, पैकिंग वगैरह है, जितने भी बाइक की प्रिपरेशंस है, सारी करनी है। एंड सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि बाइक के अंदर जो एग्जॉस्ट लगाया है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, उसे चेंज करेंगे। पहले मैंने उसमें शॉर्ट पंजाब लगा रखा है, बट अब उसकी जगह स्टॉक साइलेंसर लगाएंगे ताकि रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि कई जगह पे चालान वगैरह होते हैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट पे। बाइक का नंबर भी आ चुका है, वो भी लिखवाना है, और साथ ही कुछ और छोटे मोटे काम लाइक ग्रूमिंग वगैरह करवानी है, हेयर कट लेना है, तो सारा आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने जा रहे हैं एग्जॉस्ट की फिटिंग। ये रहा मेरे हाथ में, एक बार मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सो ये जो स्टोक साइलेंसर आता है रॉयल इनफील्ड की तरफ से, ये वाला हम फिट करेंगे उसके अंदर। एक गाइस, इसका ड्रॉबैक ये रहेगा कि जो साउंड है जो अब आ रही है बाइक से, वो थोड़ी कम हो जाएगी, बट आपको इतना नोटिस करने को नहीं मिलेगा। माइक्रोफोन इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता उस चीज़ को, बट मुझे फील होगा कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिस करूंगा। बट इससे एक तो परफॉर्मेंस बूस्ट होगी, साथ ही थोड़ा सा माइलेज इंक्रीज होगा। चलिए इंस्टॉल करते हैं साइलेंसर को, उसके बाद बाइक पे नंबर वगैरह लिखवा के लाएंगे मार्केट से, एंड कुछ ग्रूमिंग वगैरह भी करना है, वो भी करवा लेते हैं। सो मैं ऋषभ और आप देख रहे हैं टेक बाय ऋषभ। तो चलिए करते हैं आज का सेशन शुरू। सो गाइज, यू कैन सी कि अभी इसके अंदर शॉर्ट पंजाब लगा हुआ है, फ्री फ्लो साइलेंसर, एंड जो नंबर है इसके वो भी टेम्परेरी है अभी, तो सारा कुछ करवाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइलेंसर को करते हैं चेंज। इसका एक बार साउंड सुना देता हूँ मैं आपको। फिलहाल इसके अंदर ये साउंड है, बट इसके बाद अब इसमें लगाएंगे दूसरे वाला एग्जॉस्ट, फिर सुनते हैं उसका साउंड कैसा रहेगा। सो गाइस, ओल्ड वाला एग्जॉस्ट हमने रिमूव कर लिया है, ये पड़ा इस तरफ, अब लगाएंगे इस वाले को इसके अंदर। फाइनली एग्जॉस्ट हमने फिट कर लिया है इसके अंदर, पुराने वाला, यानी जो साथ में आया था स्ट्रोक एग्जॉस्ट। इसकी साउंड सुनाता हूँ एक बार, बिल्कुल कम साउंड है इसका। गाइज, रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी जाके पैकिंग का जितना भी जो सामान था वो सारा जुटा पाया मैं एक जगह, देख सकते हैं इकट्ठा कर लिया। अब इसको बैग में डालना है, बैग में डालने के बाद इसको बाइक पे अपने इसको बांधेंगे रस्सियों से। तो एक बार दिखाता हूँ कि मैं क्या कुछ लेके जा रहा हूँ और इतना सामान एक छोटे से बैग में किस तरीके से आएगा। स्टार्ट करते हैं कपड़ों से। ये है मेरे कपड़े, जिनके अंदर की 3 शर्ट्स लिए हैं मैंने और 3 ही पैंट लिए हैं और एक मैंने शॉर्ट लिया है, और 4 टी शर्ट्स हैं, बाकी अंडरगारमेंट्स हैं, सॉक्स वगैरह और इतना सामान। और यहाँ पे कुछ ग्रूमिंग के लिए है, फेस वॉश वगैरह सारा कुछ है, अपना सामान, कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर है, ये अपना लैपटॉप, इधर सारे गैजेट्स, आगे जितने भी गैजेट मैं लेके जा रहा हूँ, बाइक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये अपना वॉलेट, डायरी, स्लीपर्स, सबसे मेन थिंग सेफ्टी गियर जो हमारा हेलमेट, एंड सेकेंडरी बैग पैक ये लेके जा रहा हूँ जिसमें लैपटॉप रहेगा अपना, और मेन जो बैग रहेगा अपना वो ये वाइल्ड क्राफ्ट का ये बैग है, इसके अंदर मैं सारा ये जितना भी सामान है इसके अंदर डालूँगा। और ये जो बंजी कॉर्ड्स ली हैं मैंने, इनसे बाइक पे इसे टाई करेंगे। साथ में कैरी कर रहा हूँ मैं 2 पेयर्स ऑफ शूज़, वो यहाँ पे पड़े हैं अभी, इनको मैंने साफ़ नहीं किया है, इनको साफ़ वगैरह करके फिर पैक करूँगा। स्लीपर्स वगैरह डाल लिए हैं, लगभग सारा सामान रेडी है, अब इसको डालेंगे बैग में। और एक चुटकी बजाते ही ये जो सारा सामान पड़ा है जितना भी इस बैग के अंदर आ जाएगा। रेडी, 1, 2।
एंड 3। बूम, तो हो गया ना जादू, सारा का सारा सामान इन दो बैग्स में आ गया। ये सामान इस बैग में इसलिए आ गया क्योंकि जो मैंने क्लोथ्स को पैकिंग करने की जो टेक्निक यूज़ की थी उसकी वजह से स्पेस काफ़ी सेव हो गया। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि मैं पैकिंग किस तरीके से करता हूँ तो मेक श्योर मुझे बताइए। इसके लिए मैं स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कम से कम स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान को किस तरीके से पैक किया जाए ताकि उसे सेफली हम कैरी कर पाएँ। तो फाइनली गाइज सारी पैकिंग वगैरह हमने कर ली है, जितनी भी तैयारियाँ करनी थी ए टू जेड अब डन है। अब सिर्फ निकलना है यहाँ से, यानी सुबह जल्दी निकलेंगे हम लगभग 5 या 6 बजे। बाइक का PUC करवाने वाला है तो वो गंगानगर से ही करवाएंगे। पहले मैं सोच रहा था कि 4 बजे निकलेंगे, बट 4 बजे फिर वो क्या है PUC सेंटर ओपन नहीं होते हैं, खुलते नहीं इतने जल्दी, तो 5 से 6 बजे के करीब खुलते हैं, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर यहाँ से, क्योंकि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है। बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास कंप्लीट हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी ट्रिप की वीडियोज़ हैं मैं कोशिश तो करूँगा कि ऑन द गो मैं उन्हें एडिट करूँ और अपलोड करूँ, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि दोनों काम एक साथ हो पाएंगे, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में टाइम काफ़ी लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार पूरी ट्रिप कंप्लीट करके आएँ, फिर उसके बाद आके सारी एडिटिंग वगैरह करके फिर वन बाय वन वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। एंड ये वाला वीडियो भी अगर मेरे को टाइम मिला तो अपलोड कर दूंगा, वरना वहाँ से आने के बाद ही इसे अपलोड करूँगा। बैक टू बैक वन बाय वन वीडियोज़ आएंगे, एक दिन में एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही मैं ट्रिप कंप्लीट करके आ जाऊँगा। बट ऑन द गो जो भी जितने भी अपडेट्स होंगे, कहाँ मैं रुक रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, जितने भी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं सारी आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे देख सकते हैं। तो मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही फेसबुक पेज का लिंक भी दिया है, उसे भी आप जाके लाइक कर लीजिए, वहाँ भी मैं जितने भी अपडेट्स होंगे सारे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। एंड जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर जाइए RC17 व्लॉग्स को, बिकॉज इसी तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।